क्रिसमस का त्यौहार ईसा मसीह के जन्म का त्यौहार है और यह सारे विश्व में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत में भी यह विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। कहीं लोग खुशी के गीत गाते हैं जिसे कैरल्स कहते हैं और कहीं लोग खुशी से नाच उठते हैं। लोग तरह तरह की सजावट करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, नए व्यंजन बनाते हैं और अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग बोलियों के साथ, भाषाओं के साथ इसके भी अलग नज़ारे हैं। तो आइए चलते हैं भारत के, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में और देखते हैं कि वहाँ क्रिसमस कैसा मनाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है जोगन देवसी और अभी हम बैठे हैं मिस्टर मेरी जान और उनकी फैमिली के साथ जो है केरला से, और अब हम उनसे पूछेंगे कि उनके क्रिसमस पे क्या विचार है। मिस्टर मेरी जान, क्रिसमस इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हु कमेंडेड द वर्ल्ड इन अ स्पेशल यूनिक वे। इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, लव, होप। तो पर्सनली भी यही चीजें आपके लिए लाता है और इज इट समथिंग डिफरेंट? Personally, love, even to home, and I hope all over the world. तो आप क्रिसमस को किस ढंग से मनाते हैं, किस स्पेशल तरीके से मनाते हैं? Dada will be in charge of kitchen, so we make different non-vegetarian dishes. अच्छा। And we will, our friends are eagerly waiting for this day because they will not make non-vegetarian in their house, so they are eagerly waiting for. तो उस दिन एक बड़ा सा lunch होता है करते हैं? With relatives, friends, and she will make some unique Keralite items like appams for the breakfast. Okay. And that day will be a special day for us. Okay. और आप लोग क्रिसमस पे क्या करते हैं? अपने दोस्तों को बुलाते हैं, क्या करते हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाता हूँ। हम यहाँ पर पार्टी मनाते हैं। हम यहाँ पर ये बेडरूम में टेप रिकॉर्डर लगा के ऊपर नाचते हैं। अच्छा, तो नाचते हैं, गाते हैं और कुछ चीजें गिफ्ट उनको सबको केक वेक देते हैं। कैसे बेटा, केक वेक भी बांटते हैं? क्या केक बांटते हैं? तो आप हमारे दर्शकों को क्रिसमस के दिन कोई संदेश देना चाहेंगे? क्रिसमस सिग्नल्स द प्रेजेंस ऑफ जॉय, पीस, होप एंड लव। लेट दिस ब्रिंग पीस टू especially for India, which is reeling under terrorism. Let us have a good, harmonious relationship. हम लोग पंजाबी हैं और हर साल हम लोग जो है मेरी जॉन के साथ में क्रिसमस मनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, केक खाते हैं, मस्ती करते हैं। तो मतलब पहले आप डेकोरेशन में भी पूरी मदद करते हैं और इसके बाद लंच पे सब बहुत बताते खाते हैं। थैंक यू। तो हमने देखा कि मिस्टर मेरी जान के पड़ोसी भी उनके साथ क्रिसमस कितने उल्लास के साथ और कितने उत्साह के साथ। साइलेंट नाइट, होली नाइट, सन ऑफ गॉड लव्स योर लाइट, रेडिएंट बीम्स फ्रॉम दाय होली फेस। എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് മംഗളാശംസകൾ। अभी हम खड़े इस बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड घर में, इस निहायत ही सुंदर क्रिसमस ट्री के सामने मिस्टर राव के घर में। नमस्कार। नमस्कार। मिसेस राव, क्रिसमस आपके लिए क्या है, क्या मायने रखता है क्रिसमस? क्रिसमस इस क्रिस का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं जी, और ये बेसिकली फॉर स्प्रेडिंग लव। तो यीशु क्रिस्त आए थे प्रेम के संदेश के साथ, ये है क्रिसमस। तो बेटा, आप क्रिसमस अपने घर में कैसे मनाते हैं, किस ढंग से मनाते हैं, क्या करते हैं क्रिसमस के दिन? कुछ आप पहले डेकोरेशन करते हैं, जैसे आपने ये आपने किया है सारा डेकोरेशन? यस। बहुत ही बहुत बहुत अच्छा किया है। और उसके बाद क्या करते हैं क्रिसमस के दिन, क्या करते हैं? वी गो टू चर्च। हां जी, वी गो टू चर्च। हां, एंड वी विश वन अनदर हैप्पी क्रिसमस। ओके, एंड देन यू कम बैक होम। यस। एंड देन घर पे वेट फॉर सांता क्लॉस। हां, पापा सांता क्लॉस बन के आते हैं। We wait for Santa Claus to give us gifts.
तो आप क्रिसमस पार्टी के दिन जब करते हैं तो सारे दोस्तों को सबको मिला के सब अपने नेबर्स अपने फ्रेंड्स सबको मिला के क्रिसमस पार्टी मनाते हैं? सबको हम लोग कार्ड भी देते हैं, सबको बुला के वी एंजॉय अ लॉट, वी पुट कैरल्स, क्रिसमस कैरल्स एंड डांस, अच्छा, एंड गिव एवरीवन कूल ड्रिंक्स, केक्स, स्वीट्स मेड बाय मम्मी, अच्छा, तो आंटी मेक्स ब्यूटीफुल स्वीट्स, गुड कुक, एंड दैट्स ऑल वी एंजॉय क्रिसमस. सो दैट इज हाउ यू एवरीबॉडी गेट्स टुगेदर इन द इवनिंग एंड केक्स एंड फूड एंड एवरीथिंग. मिस्टर राव, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक? No, Christmas is more of a cultural event. We would like to invite all the families, neighbors and everything and enjoy together for this function. So, how do you celebrate Christmas with Mr. Rao's family? We come to their house, help with decorations, lunch, church. So, you do everything, church, you have beautiful decorations with them. तो आप क्या करते हैं क्रिसमस के दिन के साथ? ऐसे करते हैं, फिर चर्च भी जाते हैं. अच्छा, उनके साथ लंच वंच करके, मतलब सब इकट्ठे सारे डेकोरेशन से लेके क्रिसमस के एंड तक सब इकट्ठे बनाते हैं. थैंक यू. तो आप क्रिसमस पे क्या क्या स्पेशल डिश बनाते हैं? बूंदी का लड्डू बनाते हैं, मुरक्कु, अच्छा, स्वीट्स, ओके, और मिक्सचर. अच्छा, मस्त है, रियली डिलीशियस. हम बैठे हैं मिस्टर सुरेंग और उनकी फैमिली के साथ जो है रांची से. मिस्टर सुरेंग, क्रिसमस आपके लिए क्या है? क्रिसमस हमारे लिए मुक्तिदाता का जन्मदिन का त्योहार है, जो हमारे मुक्ति के लिए, जो हमारे पाप का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए. मिस्टर सुरेंग, क्रिसमस को आप किस तरीके से मनाते हैं, क्या करते हैं उस दिन? क्रिसमस को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं. पहले तो हम अपने आप को तैयार करते हैं. अच्छा. अपने आप को तैयार करने के साथ साथ में हम घर की सफाई करते हैं, घर को हम सजाते हैं. और यीशु मसीह तो एक गरीब बनकर इस दुनिया में मुक्ति दाता बनकर आए, उनके लिए कोई जगह नहीं थी. हाँ. तो उन्होंने एक गौशाला में जन्म लिया. हाँ. उसी की यादगारी में हम घरों में छोटे चरनी बनाते हैं, और उस इस तरह से हम चरनी बनाते हैं, और उसमें हम उसके जितने भी मूर्तियां है या तो चिन्ह है उसको हम उसमें रखते हैं. अच्छा. और उसको हम मनाते हैं. अच्छा, इसके साथ आप क्रिसमस पे और क्या क्या करते हैं, मतलब कोई गाना बजाना कुछ ऐसा करते हैं जो आपके एरिया का स्पेशलिटी हो? हाँ, इसके साथ में हम लोग पहले चर्च से लौटने के बाद. हाँ. हम लोग अपने प्रियजनों को, घर वालों को हम मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं, गाना गाते हैं, और जितने भी घर में पकवान बनते हैं वो हम एक दूसरे के साथ में मिलकर और खुशी के साथ में हम बांटते हुए खाते हैं, और गाना बजाना होता है. अच्छा, तो बेटा क्रिसमस पे आप अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं? हाँ, वो सब आते हैं यहाँ पे. हाँ. तो क्या करते हैं? फिर हम घर को डेकोरेट करते हैं. अच्छा, और उसके बाद उनको केक खिलाते हैं आप? हाँ. अच्छा, वैसे ऐसे सब आपके दोस्त भी आते हैं बेटा? हाँ. अच्छा, सब सबके दोस्त आते हैं, मतलब सब मिलके डेकोरेशन करते हैं. अच्छा, और सर क्रिसमस के बारे में दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे क्रिसमस के बारे में? यीशु मसीह हमारे लिए शांति और प्यार का संदेश लेके इस दुनिया में आए, इसलिए हमें भी इस दुनिया में एक दूसरे को प्यार और बांटना चाहिए. क्रिसमस के दिन आप अपनी भाषा में हमारे दर्शकों को क्रिसमस की विशेष देना चाहेंगे? जरूर देना चाहूंगी. निमन हरमारिन भाई और बहन आलारिन एमहे करते जन्म परब, खुश जन्म परब और खुश नया साल. Yeah.
और अब हम खड़े हैं मिस्टर लोबो और उनकी फैमिली के साथ और उनसे पूछते हैं कि क्रिसमस उनके लिए क्या है। मिस्टर लोबो, ये त्योहार है, ये खुशियों का ये त्योहार है, ये शांति का और ये त्योहार है वो रिकंसिलिएशन का। तो मिसेस लोबो, क्रिसमस आप कैसे मनाते हैं, किस तरीके से मनाते हैं? क्रिसमस पे हम स्पेशल प्रेयर्स होते हैं, कैरल सिंगिंग होता है, घर में भी गाना गाते हैं, आसपास बगल में जो भी हमारे पड़ोसी रहते हैं उनके घर भी जाते हैं, वहाँ गाना गाते हैं, सभी हमारे रिश्तेदारों को हम ग्रीटिंग्स भेजते हैं, चाहते हैं कि सब मिलकर इस खुशियों मनाएं। तो क्रिसमस के दिन आप कैरल्स गाते हुए और केक बांटते हुए सबके घर जाते हैं, अपने सारे पड़ोसियों के घर? हाँ, हमारे पास एक ग्रुप है, वो सब घरों के पास जाते हैं और कैरल्स गाते हैं and we try to spread the message of Christ, awaiting of the Christ. Ah, beautiful. And some message on Christmas, ma'am? Christmas is not a feast only for the Christians. सिर्फ ये एक ही लोगों का सेट का फेस्टिवल नहीं है, मगर ये भगवान येशु क्रिस्त ने ये मुक्ति सबके लिए रखा है. The salvation is for the whole of mankind. So I expect and wish all the people that they can hope in the resurrected Christ for salvation, the mukti that is given by him. Aur Adeline, Christmas ke din hamare darshakon ke liye Konkani mein ek wish. Bo fest, bore natal. To Mrs. Lobo, ye kya kya dishes hain jo aap Christmas pe banate hain? Especially cake khilane ka mukti. Then chocolate, nevro, kalkas, chips, potato chips, banana chips. So, a Christmas cake or Christmas for Mrs. Lobo. Swagat karya raya Hare tale sangeet gaya Hasun Jesu barkat, hasun Jesu barkat Hasun, hasun Jesu barkat और अब हम बैठे हैं मिस्टर अपोक जमीर और उनकी फैमिली के साथ जो है नागालैंड से। आइए उनसे बात करें कुछ क्रिसमस के बारे में। मिस जमीर, क्रिसमस आपके लिए क्या है? क्रिसमस मींस सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इट आल्सो मींस द टाइम टू ऑल फैमिलीज टुगेदर टू थैंक द लॉर्ड फॉर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड आप इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं इस दिन पे? इस त्योहार में हमारे नागालैंड में दिसंबर 1 से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो मूड है वो दिसंबर से ही शुरू हो जाते हैं। और इसी इस महीने में हमारे जो क्रिश्चियंस हैं वे कैरोल सिंगिंग और यीशु मसीह का क्या क्या उनका क्या स्टोरी बैकग्राउंड है, उनका क्या एक्सपीरियंसेस है, इनको सब वी बेसिकली from the first day itself start from we the first start of December celebration. At the same time we also ponder upon what he really means to us. Aur Mr. Jameer, is fair mein aap apne doston aur apne padosiyon ko kaise involve karte hain? Apart from having the families together, we try not to miss out our friends who are non-Christians. Okay,
we send them invitations, or we invite them over the phone. Mm-hmm. Or personal invitations is also there. So you bring them together and you have a lunch or something? Oh, yes. And Atila, you also call your friends over for Christmas? Yes, we do. And what do you do? We used to play, we used to dance, sing, and we used to exchange gifts. So basically you sing and exchange gifts and do everything? Eh? Yes. Okay. And sir, any message on Christmas to all our people out there? Well, in this world of intolerance, I would say that let love and peace reign in our hearts. That love and peace to all mankind. And any wish, how would you wish everybody in your own language Merry Christmas? This definitely looks like a really sumptuous bread. What is it you prepare specially for Christmas? Christmas, we specially prepare cakes and meat. Okay, let me try one. Bethlehem, ye nom Yesu Christa asu, achizelo alin, tashiteme te tri Yesu bushi, parnuki panguku. Vaka kemze pa yani anashipai so Vaka kemze pa laino ngini mete. Good night.